हमजा के पास एक बार मैं फिर से आऊंगी। हमजा, अभी कोई और नया अपडेट उस बैठक से जो इस वक्त चल रही है निजी आवास पर इमरान खान के? कोई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन मैंने अभी कंफर्म किया तो बाबर अवान जो हैं, जो हुकूमत के लॉयर भी हैं और मेंबर भी हैं, उन्होंने जो है ऑब्जेक्शन रेज कर दिए हैं शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर, क्योंकि शहबाज शरीफ ने आज नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा दिए थे, उनकी स्क्रूटनी होना बाकी थी। उसके कुछ देर के बाद शाह महमूद कुरैशी ने भी करवा दिए थे, उनकी स्क्रूटनी हो गई है और उनके पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं और शहबाज शरीफ के पेपर्स के ऊपर जो है वो एतराज लग गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन पेपर्स को स्क्रूटनाइज कौन कर रहा है? इस पेपर्स को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं इस वक्त डिप्टी स्पीकर कासिम शाह सूरी, ये वही हैं जिन्होंने रूलिंग जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर की थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली 3 अप्रैल वाली, और उसके बाद वो उठ के वहां से चले गए थे। तो वो ही हैं जो देख रहे हैं इस सारे मामले को, और अभी भी जो है कहा ही जा रहा है कि इस चीज को लेके भी जो है अब शहबाज शरीफ में ऑपोजिशन जमातों का इजलास भी हो रहा है, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब इसको करना क्या है, क्योंकि लगता ऐसा है कि अभी इस मामले के ऊपर को लेके भी जो है वो पीटीआई उनके लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, क्योंकि जहां से उनके पेपर्स एक्सेप्ट होने हैं वहां पे उनके अपने ही बंदे बैठे हैं जिनके खिलाफ, जिन्होंने वो रूलिंग दी थी कि नो कॉन्फिडेंस वोटिंग ना हो, जो कि जिनका नाम है कासिम शाह सूरी, जो इस वक्त अब जो है एक सिटिंग स्पीकर हो गए हैं क्योंकि असद कैसर ने रिजाइन कल रात को कर दिया था। ठीक है, ABP News आपको रखे आगे।